Chief Minister's office has been used to gold smuggling activities. We foresee a hung assembly. सालों से लेफ्ट पार्टियों का गढ़ रहे केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भी अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। सबरीमाला मंदिर मामले के बाद से भाजपा की लोकप्रियता राज्य में तेजी से बढ़ी है। केरल के भाजपा नेता अलग अलग शहरों में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इस उम्मीद से कि पार्टी कम से कम 10 सीटें जीतकर हंग असेंबली बनाने में कामयाब होगी। भाजपा की इसी चुनावी रणनीति और मुद्दों को बारीकी से जानने के लिए केरल पहुंचे हमारे साथी गौरव पांडे ने केरल भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर के एस राधाकृष्णन से बात की। हमें उम्मीद है कि हमें 20% से ज्यादा वोट मिलेंगे, इसका मतलब हम 10 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेंगे। और यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब केरल में हंग असेंबली बनेगी, तो हम एक हंग असेंबली की ही उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बड़ी समस्याएं हैं। यहां तक कि सोने की तस्करी में सीएम ऑफिस का भी हाथ है। बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हमारी पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, जो कि कांग्रेस के पास बिल्कुल भी नहीं है। संगठन की शक्ति से ही राजनीतिक सत्ता पाई जा सकती है। पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। केरल के युवा भाजपा को सुशासन के बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर उन्हें मोदी जी के काम पर पूरा विश्वास है। गवर्नेंस एस्पेशली दे अप्रिशिएट दैट। वो मोदी सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।